लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बैठकर चाय पी रहे थे वाइफ के साथ, चूंकि समय चूंकि मेरा गेट खुला रहता है तो एक बैग 10 व्यक्ति एक साथ घुसे और घुसते के साथ पहले मेरा मोबाइल कब्जा में कर लिए और कहे कि हम लोग सीबीआई से आए। भाई सीबीआई से आए, बताइए कि आप क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, किस आधार पर? एक आदमी निकाला आपका पूरा घर हम जांचना चाहते हैं। आप हम लोग को कोऑपरेट कीजिए। और लगातार मैराथन हमारा फॉल सीलिंग तक तोड़ दिया गया खोजने के लिए कि यहाँ पर भैया है और यह बताते हुए हमें शर्म आता है। मात्र 2,59,000 रुपया मेरे घर से बरामद हुआ, वो भी कौन रुपया? जो हमारी वाइफ 1 कैरेट प्लांट चलाती है उसका वो 1.5 लाख रुपया और मैंने जो भी बच्चे का रिंग सेरेमनी किया, जो उसको शगुन मिला वो 1 लाख रुपया नया नोट था। तो बोला कि नहीं, इससे कि हमको क्या लेना देना है। और इसको इतना कंफ्यूजन दिया कि मुझको यही लगा पूरे 13 घंटा ये लोग मेरे साथ रहा और केवल इसका एक ही उद्देश्य है, जो महागठबंधन की सरकार बनी है, जो नीतीश कुमार और हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी सीएम हुए हैं, यह किसी भी रूप से ये लोगों को, और फिर देखिए अनवरत ये लोग अभी करेगा, ये लोग पूरा परेशान है कि कहीं जा रहे हैं भाई, न पैसा मिल रहा है न कागज मिल रहा है। बिल्कुल पूरा सवाल जवाब किया गया। ये बोले कि भाई आप बताइए कि तेजस्वी जी का किससे किससे संबंध है, हम देखिए भाई किसका किसका नाम ले, तो भाई पूरा बिहार का उनका संबंधी है। तो भाई लालू जी को के यहाँ कौन कौन जाता है? हम बोले कि भाई लालू जी के यहाँ तो अनवरत लोग जाते हैं, आपको अगर देखना है तो शाम को गेट पर देख लीजिए। तो भाई तरह तरह का नाना प्रकार का, जिसको इस जांच से सर कुछ जो इस केस से हम तो बता ही रहे हैं, 2,59,640 फाइल कौन ले गया? बिस्कोमान का जो मीटिंग का जो एजेंडा होता है उसकी कॉपी ले गया, जो क्रिप्को से आता है वो ले गया, उसके अतिरिक्त जो मेरा कांति पैलेस अपार्टमेंट जो हमारा लिया हुआ है वर्ष 2002 का उसका डॉक्यूमेंट ले गया, जो भी हमारा एमएलसी के रूप में जो भी मेरा शो किया हुआ प्रॉपर्टी है उसका ये डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी ले गए। और ये तो भाई ओपन है। और इसके अतिरिक्त इनके पास कोई मामला नहीं है, पूरा परेशान परेशान थे, लगातार फोन कर रहे थे कि यहाँ रेड कीजिए वहाँ रेड कीजिए, जिस समय यहाँ रेड किए उसी समय मेरे बिस्कोमान में भी रेड किए, बिस्कोमान को भी पूरा खंगार गए, बोले कि भाई बताइए कहाँ से कैसे क्या होगा, कहाँ रुपया है क्या है। तो देखिए इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हम बिहार के डिप्टी सीएम को हम इसमें घेरा में लाएं। पहले ये पूरा मतलब जिस तरह से होता है कड़ा ढंग से पेश आना, हम बोले बोले पहले खबरदार जिंदगी में आप हमारा जांच नहीं कर सकते हैं, आप कोई हमको इस तरह से मत समझिए। फिर उसके बाद वो लोग लाइन पर आ गया, बोला कि आप हमको सारा डॉक्यूमेंट दिखाइए, हमको बताइए। हम बोले कि बताना आपको जो भी पूछना है आप हमसे लिखिए, पूछिए हम मौखिक नहीं बताएंगे, आपको जो भी पूछना है 1-2-3 करके हमको पूछिए। और देखिए से हम डरने वाले नहीं है। आपको क्या लगता है अगला नंबर किनका हो सकता है? क्या देखिए अगला नंबर बिहार के, मैंने कहा कि आप जिस तरह से कर रहे हैं आपको 2 लाख जगह रेंट करना पड़ेगा। अब लालू जी के यहाँ कौन जाता है, तेजस्वी जी के यहाँ कौन जाता है? अगर इस आधार है अगर मॉनिटरिंग का और यह आधार है आपके रेड करने का, तो तकरीबन 2 लाख लोगों के यहाँ आपको रेड करना होगा। जो डीएसपी थे श्रीवास्तव साहब को मैंने उनको समझाया कि इस आधार पर कि आपको लाल राबड़ी देवी राखी बांधती, हम लोग बांधती है आज से बांधती को नया बांधती है 15 साल से बांधती है। आपका लालू जी का पारिवारिक संबंध है, हम बोले कि पारिवारिक से भी ऊपर मान लो वो संबंध है मेरा, और मेरा ही नहीं है, बिहार के ऐसे ऐसे लाखों कार्यकर्ता का है। जो संबंध मेरा है लालू जी के परिवार से वैसा लाखों लोगों का वहाँ पर संबंध है। कहाँ कहाँ रेड देते चलिए, झूठ मूठ आप भी परेशान है। वो बोले कि नहीं देखिए ये
मामला देखिए दबी जुबान से तो लोग बोल ही जाता है कि जो अभी गठबंधन हुआ है यह किसी भी मायने में भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है और किसी तरह यह चाहता है कि लोगों को हम गलत आरोप में कहीं ना कहीं जेल में डालें। सुनील जी, क्या जमीन के बदले नौकरी देने के संबंधित भी कोई सवाल था? जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला उसे संबंधित हम लोगों से जानना चाहा तो हम बोले कि भाई आप मेरे घर में जब रेड में आए हैं तो मेरे प्रॉपर्टी के बारे में पूछिए, मेरे हैं ये देखिए कि मेरे प्रॉपर्टी में कहीं राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव का नाम है कि नहीं, मेरा कोई बैंक अकाउंट वहां से रिलेट है कि नहीं। जो आप आए हैं कि करोड़ों रुपया आपके यहाँ कैश होता है तो देखिए आकर के कि हमारे यहाँ कितना रुपया पकड़ाया। अरे भाई आप तो पूरा खंगाल गए, ये तो मेरा इज्जत आप बर्बाद कर दी। अगर रेड में अगर रुपया नहीं पकड़ता तो मेरा बाहर में इज्जत बना रहता कि भाई कम से कम इस समृद्ध आदमी है, फटेहाल नहीं है, भिखबंगा नहीं है। आप तो महाराज मात्र 2,59,000 मैंने यहाँ मेरा इज्जत आपने लैंड फॉर जॉब मामले में ही पूछताछ थी जो छापेमारी थी, आपको क्या लगा? कोई इससे लेना देना इनको नहीं है, इनको मात्र एक चीज से लेना देना है, वो कि महागठबंधन का सरकार कैसे बना इस चीज को लोग पहचान नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं से लोग तेजस्वी यादव को उसमें आरोपित करना चाहता है। पांच सील डीड आज मिले हैं, सीबीआई सूत्र कह रही है 5 सील डीड मिले आपके यहाँ से भी इस तरीके के कोई डॉक्यूमेंट्स? मेरे यहाँ से अगर कोई सील डीड मिला तो हम तो उनको गिफ्ट करने के लिए तैयार है। अगर मेरे पत्नी के अतिरिक्त किसी का भी अगर सेल डीड मेरे यहाँ से मिला हो, वो भी अभी का नहीं 15 साल पूर्व का, अगर मेरा कोई एफडी भी है तो 20 साल पूर्व का, आज भी मेरे अकाउंट में जो रुपया है कोई आज का नहीं है, मेरे पीपीएफ अकाउंट में जो रुपया आज का नहीं है 25 साल पूर्व का है। तो देखिए आप कभी भी गलत आरोप में हमको नहीं फंसा सकते हैं। और ये लोग का जो मनसा था, जो सीबीआई के पदाधिकारी जो सबसे तेज तरार पदाधिकारी है उनको सौंपा गया था कि देखिए ये आपको क्यों ये लग रहा है ये छापेमारी अभी नहीं रुकेगी और लोगों की यहाँ छापेमारी होगी? इन लोगों के बात से ऐसा लग रहा था कि लोग किसी तरह से लोग बाई में है कि गठबंधन हुआ कैसे, कैसे हम तेजस्वी यादव को किसी केस में फंसा दें, कैसे हम संजय यादव जी को किसी केस में फंसा दें, कैसे लालू यादव के जो समीप के लोग हैं उनको हम केस में फंसा के इन लोगों को परेशान करें। अरे भाई तो ये तो सीबीआई को ना बताना चाहिए कि जहाँ आप बोले कि नोट गिनती करने के लिए आ रहा है, मशीन आ रहा है, पूरा हमारा फॉल सीलिंग तोड़ दिया गया, सब ऊपर में रुपया फॉल सीलिंग में भरा हुआ है। अच्छा, तो कहीं से तो मिलना चाहिए था। को तोड़ा गया है फॉल सीलिंग? अरे भाई हमारे फॉल सीलिंग को लोगों ने तोड़ दिया, मशीन लाया, मशीन से मेटल डिटेक्टर से पूरा चेक किया कि कहाँ कहाँ है, फिर बोलने लगा कि अरे भाई आपका नाम इतना है, आपके यहाँ पता लगा कि आपके यहाँ 50 करोड़ है और आप रहते हैं 2 रूम के फ्लैट में। हमने की आज ही से नहीं रहते हैं, बहुत दिनों से रहते हैं। मेरे बेटे का जो लैपटॉप है और कंप्यूटर है उसका हार्ड डिस्क ले गया। तो भाई अगर एजुकेशन की उनको जरूरत होगा एमबीए का, सारा एमबीए का उसको भरा हुआ है तो उसमें पढ़ते रहे बैठ कर। कितना हार्ड डिस्क ले गए? 2 कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ले गया। तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि दोनों मेरे बेटा का है, जो हमारा एमबीए बेटा है उसी का वो लैपटॉप। गुरुग्राम मॉल के बारे में कुछ पूछा? देखिए फालतू बात हम तो जानते भी नहीं, हम लोग तो 13 घंटा से इसी का जवाब दे रहे हैं और मात्र फिर हम आपको बता रहे हैं बीजेपी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से हम तेजस्वी यादव जी को कोई केस में आरोपित करें, कहीं से को रिलेट करें, इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य। ऊपर करो 13 घंटे का जो इन्होंने सघन जांच किया, जो सबसे तेज तर्रार टीम था उसको यहाँ बुलाया गया। पूरे बिहार में जो रेड हुआ है उसका जो सबसे तेज तर्रार अफसर है, जो 10 नंबर में भी रेड किया, उसको स्पेशली मेरे पास भेजा गया और कहा गया कि वहाँ पर कम से कम आपको 50 करोड़ मिलेगा। पूरा हमारा फॉर्म सीलिंग तोड़ दिया, पूरा मेरा घर तहस नहस कर दिया और मात्र ये कितना रुपया पाए? 2,56,940 रुपया। वो भी कौन रुपया? जो हमारे बेटा, यार ये क्या कर रहे हो? बेटा को अभी छेका में जो सगुन मिला, भाई हाथ हटाओ ना। और जो हमारी वाइफ कैरेट प्लांट चलाती है उसका 1.5 लाख रुपया। यार ये ऊपर करो ना यार, यही रुपया वो लेकर के गए।
और इसके अतिरिक्त क्या क्या आपसे आपको बुलवाना चाह रहे थे? सर कैमरे की तरफ देखिए, लालू जी सबसे क्लोज कौन है? बोले कि हमसे ज्यादा कोई क्लोज है नहीं। मैंने कहा हमसे ज्यादा तो क्लोज हम नजर नहीं आता है। जो संबंध मिला है लालू जी के परिवार से वैसा वैसा 2 लाख लोगों का परिवार नीचे रखा है। अगर आपको रेट करना है लाखों लोगों के हम एक साथ रेट करना पड़ेगा। जो संबंध मेरा है लालू जी से आपका सीलिंग तोड़ा गया लाइट डिटेक्टर से जगह जगह। यार थोड़ा ऊपर करो ना, कैमरे से खराब कर रहे हो। उन्होंने पूरा यहाँ भी छान मारा, पूरे बिस्कोमान के उन्होंने छान मारा, पूरा मेरा अकाउंट देखा गया, पूरे बैंक के अफसर को बुलाया गया कि कहीं से देखिए कि कहाँ से तेजस्वी यादव को रिलेट होते हैं कि नहीं। इनका उद्देश्य अब लालू यादव नहीं है, अब इनका उद्देश्य मात्र तेजस्वी यादव है कि कैसे इनको रोका जाए, कैसे इन लोग का गठबंधन तोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है कि जमीन के बदले नौकरी दी गई कि क्या दी गई, उससे भी मतलब नहीं है। रुपेश भैया मतलब है कि कहीं भी रुपया पकड़ा जाए, लोग गच ले फलना आदमी का रुपया है, कहीं जमीन पकड़ा जाए उनके नाम का हो, इसके उद्देश्य इसके अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं है। मिला क्या? कुछ नहीं, 2,640 रुपया। और जो मेरा प्रॉपर्टी है बंगला मेरी पत्नी के नाम से जो प्रॉपर्टी है उसका ये मिलेगा चाहे कि भाई हमको तो ऊपर से ले जाना पड़ेगा, ऊपर से नहीं नीचे से लगाना, नीचे लगाए ऊपर से। इनका पूरा प्रयास है, इनका कहना है कि आगे भी आगे भी जो मेन केस के आईओ है रुपेश श्रीवास्तव जी, उन्हीं को यहाँ ड्यूटी लगाया गया। उनको कहा गया जो 10 नंबर में लीड कर रहे थे वही यहाँ भी आए, और इनका एक ही उद्देश्य था कि भाई हमको सूचना प्राप्त होता है कि आपके यहाँ MLC बिकता है, आपके यहाँ MP बिकता है, आपके यहाँ राजसभा बिकता है, वो अगर पैसा कहाँ जाता है? बोले कि आपके जेब में जाता है। अगर आपको जानकारी है तो आप क्यों नहीं जाकर पकड़ लेते हैं कि कहाँ ऐसा होता है? कहीं ऐसा सुने हैं हमारे यहाँ मुन्नी देवी पैसा देने लायक है? बताइए, हमारे यहाँ कारी सोए पैसा देने लायक है? मेरे यहाँ अशोक पांडे पैसा देने लायक है? पैसा देकर के वो MLC बनेगा? और यही काम होता है राष्ट्रीय जनता दल में। हम बोले कि आपको सूचना किसने दी? अब वो बोलने लगा कि जो 4 विधायक आपके यहाँ आए हैं उनको पैसा देकर खरीदा गया। हम बोले कितना कठिन सवाल पूछ रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव या लालू यादव बता सकते हैं? हम लोग के बूटे का पास में आ जाओ, पास में तो नहीं। राबड़ी देवी आपको राखी बांधती सर, थोड़ा सा पीछे हो जाए सर, थोड़ा पीछे हो जाए, 15 सालों से थोड़ा पीछे हो जाए मैडम। क्या इसका मतलब क्या हुआ? कितने लोगों को राखी बांधती है, इससे आप क्या कोरिलेट करना चाहते हैं? क्या बाहर यादव को लेकर भी पूछा गया क्या? उनके कन्फेशन का कुछ बात आई सर? एक छोड़ दो। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।